हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही एक लंबे टाइम के बाद, लंबे ब्रेक के बाद फिर से एक व्लॉग आया है, एक नए चैनल पे आया है। पुराना चैनल क्या बताऊँ, जिसने भी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जो भी ऐड है इंस्टा पे, उसको पता होगा कि मेरा चैनल जो था वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो गया। कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, फिर भी अब उसके लिए क्या ही कर सकते, डिलीट हो गया तो हो गया, तो उसको आगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये नया चैनल बनाया, तो इसको सबसे पहले 2 मिनट का लगा, अपना 2 सेकंड लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो जिससे नोटिफिकेशन आ सके। तो जल्दी से कर दो यार सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक भी कर दो जिससे रीच बढ़ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ सागरी में, जहाँ पिछले साल भी था। जो लोग देख, जिन लोगों ने भी देखा होगा व्लॉग, उनको पता है कि मैं पिछले साल भी सागरी में था। सागरी में क्यों भाई, नया चैनल बनाना था, तो सोचा कि एक जो मोस्ट अवेटेड बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, कि एक ऐसी ट्रैक है जो सभी लोग करते हैं, जो मैंने भी करी थी, लेकिन उसकी वीडियो आज तक नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले करी थी जब इतना फेमस नहीं थी। तो मैं जा रहा हूँ केदारकंडा। तो अभी ये दिख सकते हैं व्यूज़, अभी स्नो बस ऊपर थोड़ी बहुत है, बाकी मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज 20 दिसंबर, तो इसलिए अभी कर रहे हैं जिससे कि लोगों को बता सके कि एज अ बैकपैकर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज का तो सबको पता है कैसे होता है कैसा नहीं होता है, एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, उसकी कोई मतलब नहीं होता। तो एज अ बैकपैकर आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले सांकरी आना कैसे, तो सांकरी आने के लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जो फ्लैशबैक है वो ये है। तो हमने सबसे पहले अपने घर लखनऊ से देहरादून के लिए बस ली थी, वो आप कोई भी जहाँ पे भी हो आपको सबसे पहले देहरादून ही आना पड़ेगा। देहरादून में जैसे ही आप आते हो, आपको सुबह 8 बजे की सरकारी बस सांकरी के लिए जाती है। तो सुबह 8 बजे आपको सांकरी से जो बस, सांकरी के लिए जो बस है वो देहरादून से मिलती है, देहरादून के हिल बस स्टॉप से मिलती है, जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर है। वहाँ से आपको टिकट मिलता है इसका 465 रुपीज़ का ओनली, ये आपको टिकट है ये पूरा। आप सुबह सुबह बस लेके जा सकते हो सांकरी। उसके बाद आप सांकरी जैसे पहुँचते हो, यहाँ पे आप पूरा एक विलेज है, जो अभी मैं दिखा दूंगा, ड्रोन वीडियोज ऐड कर दूंगा। तो ये पूरा विलेज है सांकरी का, जहाँ पे आप कहीं पे भी नीचे आके होमस्टेज वगैरह ले सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो, मतलब कि एज चीप एज मिल सकता है आपको। रेट में क्या ही बताऊँ, समथिंग 200 पर पर्सन अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप रहिए आराम से। ये वाला अपना होमस्टे था पीछे, यहाँ पे लोग यहाँ के लेकिन अच्छे नहीं है थोड़े। और ये यहाँ का एक टेम्पल है जो कि बंद है, टेम्पल बंद है, लोग अच्छे नहीं है यार कहीं पे भी। इससे पहले भी कोई होमस्टे पे रुका हुआ, एक बैग रखना था केवल, मैंने सोचा था रख लेंगे। उन्होंने जब ये देखा कि हम उनकी साइड से नहीं जा रहे हैं, हम अपना ऐसे जा रहे हैं, उन्होंने बोला 10,000 रुपये लेंगे, आपको पूरी ट्रैक करा देंगे। अरे भाई मैं आ चुका हूँ, मैं क्यों दूंगा यार, मुझे पता है भाई मैं टेंट लेके क्यों आया हूँ। पर कोई बात नहीं, इन्होंने तो लोगों की महीने की सैलरी हमसे एक दिन में कर दिया। अरे 10,000 रुपये अभी दे रहे हैं इनको। आंटी से मैंने पूछा गूगल पे लेंगी क्या लेंगी, बता नहीं पाई आंटी। चलो अब शेर रेडी हो चुके हैं ट्रैकिंग के लिए। अब शेर जाएंगे, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे जुगाड़ कि कैसे ट्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पे लोकल गाइड के बिना परमिट नहीं मिलती है, तो उसका भी जुगाड़, लेकिन निकालेंगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही भाई। पेड़ बोर्ड खा लिए सो जाएंगे, नहीं मिलेगा कहीं टेंट लगा के सो जाएंगे, ट्रैक नहीं करूंगा 10,000 रुपये दे के। भाई कुछ है ही नहीं ऊपर, साला 10,000 रुपये केदारकंठा के देंगे क्या मतलब है, एवरेस्ट चला जाओ 10,000 बेस कैंप करके आते हैं भाई। 40-10 करके आते भाई 40,000, बस 40,000 बेस कैंप हो जाता। चलो चलते हैं ऊपर। तो अब ये व्लॉग जो है कंटिन्यू हो रहा है दोपहर के 1 बजे से, क्योंकि हम लोग ने प्लान कैंसिल कर दिया था, यहाँ के रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं, तो हम लोग का आज तो नहीं गए, हम लोग कल सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बैकपैकर्स के लिए कुछ नहीं बचा है, ये है अपील, ये नियम वियम पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि यहाँ की फेडरेशन बनी हुई है एक, उन्होंने रूल्स ऐसे बनाए कि कोई भी सोलो जा ही नहीं सकता, कोई भी बैकपैकर जा ही नहीं सकता, उसको 5,000 रुपये पर हेड देने ही पड़ेंगे। लेकिन किसी तरह कुछ जुगाड़ बनाया है, तो आज यहीं पर रुक रहे हैं हम लोग। तो आज हम पूरे ब्लॉग में केवल सांकरी दिखाएंगे, सांकरी में क्या क्या है, सांकरी में क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या खाने को मिलता है, सब कुछ पूरे ब्लॉग में ये कवर करने वाले हैं आज हम लोग। और कुछ है तो है नहीं दिन में, एक हम लोग अंकल टाइप के मिल गए जो थोड़ा चल रहे हैं लगा के, ये है। तो चलते हैं फिर से मार्केट आ गए, अभी नीचे दिखाएंगे जाके प्रॉपर कहाँ पर स्टे किया है, उन्हीं का रूम है, वहीं पर स्टे किया है। रूम क्या है, एक नॉर्मल सा एकदम है, बताऊँगा एज अ बैकपैकर कैसे कर सकते हो, क्योंकि जुगाड़ तो भाई हम उत्तर प्रदेश के, जुगाड़ तो हमको हर जगह आता करना, तो हमने भी कुछ जुगाड़ किया है वही है। बाकी तो
यार धूप तो देख सकते हो, धूप फुल है, केवल ऊपर स्नो बहुत ऊपर है, सब पहाड़ियों पे स्नो है, यहाँ पे कोई स्नो नहीं है। केदारकंठा में भी अभी 20 जो है, आज 20 तारीख है, अभी तक की जूदा का तालाब जो है उसके आगे थोड़ी स्नो है, बाकी स्नो अभी नहीं है। तो मौसम देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, जब भी स्नोफॉल होती है तो प्लान कर सकते हो यहाँ पे आने का। जा रहे लोकल मार्केट, कुछ खाएंगे, थोड़ा टहलेंगे यहाँ पे, फिर चले जाएंगे रूम पे आराम से, लेटे लेटेंगे, चिल करेंगे, बेसिकली आज पूरा दिन चिल करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, इस ब्लॉग में बने रहो, और अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दो यार, एक लाइक बहुत कुछ आपके लिए नहीं होता है, मेरे लिए बहुत कुछ होता है, तो एक लाइक कर दो। वाह कमल का फूल हर जगह, सॉरी सॉरी, ये आ गया पूरा साकरी की लोकल मार्केट। ये आंटी के हमने खाना खाया था रिंकी भोजनालय, इनका खाना अच्छा था, आलू के पराठे कल खाए थे और अभी खाया था, अभी भी मैंने पराठे खाया था यहाँ पे, इन आंटी के यहाँ खाया था। बाकी यहाँ पे अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो वो भी मिलता है, बाकी हम तो नहीं खाते। प्यारे प्यारे डॉगी, ओह मौसम सही हो रहा है, धुआं है, अबे ये धुआं थोड़ी नहीं, वो बादल है, जो भी है। यहाँ पे मार्केट में जो क्या कहते हैं ऑन MRP सब कुछ मिल रहा है, तो इसकी कोई वो नहीं है। यहाँ पे लोग ये रुको क्या चिल लोग हैं, आराम से खड़े होके ये खेलो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। वाओ अरे भाई ये तो सही है, फोटोज तो अच्छी आएंगी। एक चीज हमने नोटिस करी, यहाँ पे सबके सब चिल्ले, कोई बात नहीं, अरे भाई हाँ ये बात ही है, जितना ये 10 दिन में कमा लेंगे उतना लोग साल भर में नहीं कमा पाते। ओहो रात तक, ओ पूरी मार्केट हम लोग ने एक्सप्लोर कर ली है, और ये रहा फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं इसी जगह, और अभी जो हम लोगों ने लोकल बंदा पटाया है यार, बहुत कॉमेडी हो रही है, बहुत खतरनाक कॉमेडी। हाँ जिन्होंने भी पिछला मेरा व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि हरकिदुन भी यहीं से जाता है, और सरगुरैनी पीक उधर ही दिखती है, इसी रास्ते से हरकिदुन भी जाता है। पिछला व्लॉग कैसे देखा, मतलब कि जो देखा होगा जिन्होंने, वो याद तो होगा क्योंकि चैनल तो चला गया है, पर व्लॉग तो याद ही होगा, ये सब गाड़ी। और हाँ हरकिदुन में अब पहले गाड़ी आती थी तालुका तक, अब गंगार जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था पहले, मैं मेरे पास अगर वीडियोज़ होंगी हरकिदुन की तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगा सारी वीडियोज़, जितना भी मेरे पे बैकअप होगा सब डाल दूंगा हरकिदुन का जितना भी होगा। अब गंगार तक की गाड़ी जाने लग गई है, तो रोड अगले साल तक ओसला तक भी जा सकती है, हरकिदुन की मैं बात कर रहा हूँ यार। लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि जो वो ट्रैक था ना हरकिदुन, इतना प्यारा इतना सुंदर ट्रैक था जिसकी कोई हद नहीं यार। अब वहाँ पे भी गाड़ी जा रही है, लोग जाएंगे एक्स्ट्रा। ये यहाँ का एक टेम्पल है साकरी का, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये मंदिर पे ये हम लोग को वो मिला है, क्या कहते हैं उसे, पिपी ही बजाने वाली। अच्छा इस तरह बजता है, सही से पकड़ो, जान लगानी पड़ती है उसके लिए बजाने के लिए। हाँ जान लगानी पड़ती होगी, समझ रहा हूँ, इस तरह बजता होगा, बजाओ। आकाश तो पूरी जान लगा रहा है ना, हाँ, एक बार ट्राई करेंगे, अभी देखना कैसा बजेगा ये। गाने गाने पहाड़ी वाले, ये मजा भाई, गुस्सा थोड़ा सा गुस्सा हुआ, कैमरा देख के हंसी आई जाती है लोगों में। बड़े इंस्ट्रूमेंट है एकदम, अभी यहाँ मंदिर पे ट्राई तो बहुत अच्छे से किया बजाने का, लेकिन बजा तो नहीं, बहुत जान चाहिए उसके लिए। बाकी मंदिर के दर्शन बाहर से कर लो, ये देखो कहा जाता है कि ये दुर्योधन का मंदिर है, यहाँ पे जितने भी गांव थे अधिकतर सब दुर्योधन ने ही इन लोगों को उद्धार किया था, बनाया था, तो इसलिए उसकी भी पूजा की जाती है। हम लोग तो नहीं करते ऑब्वियस सी बात है, एविल था वो। ट्रॉफी भी रखी है कोई, अच्छा रनर वनर कोई जीता वीता होगा, सही है, ये भी रखा है। अभी जो बचपन से जो खेलते हुए आए वो साकरी में भी आ गए हम लोग, और यहाँ पे बैट बॉल हो रहा है हम लोग, क्योंकि टीम हो गई, मेरी बैटिंग साइड है, ये ओपनिंग उतरा है अभी,
और ये उधर अपोजिट साइड है। अब यहाँ पे पहाड़ों के बीच में हम लोग खेल रहे हैं बैट बॉल। एक बॉल 6 रन, चौका। ओहो, मैच यहाँ पे रुक चुका है। भाई ने इतनी लंबी शॉट मारी थी, बॉल चली गई है, जो जिसकी बॉल थी वो लेके चला गया है, तो यहाँ पे मैच बंद हो चुका है। अब यहाँ पे एक बॉल आई है छोटी सी प्लास्टिक की, इससे मैच फिर से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे मशक्कतें चल रही है कि बॉल आ जाए वापस, लेकिन देखो मौसम बहुत सेक्सी हो रहा है। ओह, अब ये नई बॉल आ चुकी है प्लास्टिक की, अब इससे खेलेंगे हम लोग मस्त एकदम। ये बॉल बढ़िया है वैसे। आ तो गए क्रिकेट विकेट खेल के वापस, ऐसे गए थे जंगलों से होते हुए, फिर ऐसे जंगलों वापस आ गए। और ये जो टूटा फूटा दिख रहा है, इसी में हम लोग रुके हैं। यही हमारा स्टे आज का। इश, इश यार, वो खतरनाक स्टे। अरे यार, अब आ गए। आहा, अब यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। आहा, ये देखो, ये है मेरा स्टे। यहाँ पे अपने शूज वगैरह सब उतरे हुए, और यहाँ पे अंदर ये है स्टे। ये देखो, यहाँ पे अंदर ही चूल्हा है, यहीं पे। ये देखो, ये लाइट जल चुकी है यहाँ पे। ये है हमारा अंदर रूम आज का। ये देखो, यहाँ पे पूरा बेड बिछा है, रजाई हो जाइए। यहाँ पे रोटी बन रही है। चलो अब जाएंगे अभी मार्केट, थोड़ा डिनर विनर करने, फिर वो दिखाते हैं, मिलते तब से तभी आपसे। रूम तो मैंने अपना दिखा दिया, लेकिन अभी मैंने एक चीज़ नहीं दिखाई कि हम लोग चार्जिंग वार्जिंग करने का आ रहे हैं, क्योंकि इनके रूम में लाइट तो है नहीं, तो ऐसे करके झुक के जाना पड़ता है थोड़ा सा। उफ, यहाँ पे ऊपर चार्जिंग का हम लोगों ने बना रखा है सिस्टम, इन्हीं के बड़े भाई का है ये। और ये देखो, ये चल रहा है पूरा चार्जिंग का सीन। यहाँ पे स्पीकर चार्ज हो रहा है, सब चार्ज हो रहा है। किससे कह रहे हो भाई? हम लोग ब्रो आ गए हैं हम लोग फिर से वापस मार्केट में, और यही रिंकी बुझाने में खाया था खाना, फिर से जा रहे हैं कुछ खाने। यहाँ पे करेंगे डिनर, उसके बाद करेंगे जो भी करना होगा अपने तक। अब यहाँ पे आंटी ने टेस्टी सा खाना बनाया था, वही आंटी का टेस्टी सा खाना फिर से खाने आ गए, यहीं पे खाएंगे खाना। गाया है मैंने चाय और ये वाला बिस्किट, और ये वाला जो बिस्किट है लिटरली अंदर इसकी फिलिंग है कुछ, और ये बहुत टेस्टी है। आंटी आटा कर रही है, एक जगह बनाएंगे पराठा। खाना वाना खा के निकल चुके हैं दो शेर। अब ठंडी यहाँ पे होने लग गई है एक्स्ट्रा, और ले लिया पानी की बोतल कर के लिए, और थोड़ा सा सामान ले लिया है जो हम लोग को बनाना है। अब ये दो शेर जाएंगे सोएंगे, उसके बाद कल करेंगे ट्रैक। यार सीरियसली बताऊँ, मेरा 1% भी मन नहीं हो रहा यार ये ट्रैक करने का, क्योंकि यहाँ का जो सीन है ना, जो इन्होंने फेडरेशन और ये सब बना रखी है, ये हमको मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों है, मतलब कि हम क्यों किस बात पर दे रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है। देखो अब करना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, प्लस स्नो भी नहीं है। स्नो चाहिए थी यार, स्नो ऊपर है नहीं ज़्यादा। अब होप करते हैं अगर रात में मौसम ख़राब हो जाए, वैसे चांद पूरा दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं, मौसम नहीं ख़राब होगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। चलो चलते हैं अपने रूम पे, फिर देखते हैं क्या करते हैं अभी रात में। लोग आ गए हैं बहुत ही अच्छी ट्रैक करके, ये है अपना फिर से आ गए हम लोग जहाँ रुके, होम स्टे। रास्ता बड़ा ख़राब है, हिल रहा है, बस रुके हुए हैं कैसे भी। ये देखो, आ गए हम लोग यहाँ पे, यहीं सोएंगे आज। बढ़िया, अंकल जी सो गए, तो चलो यहाँ तक अगर व्लॉग देख लिया तो। अभी रुको, अभी एक सीरियस बात करनी है, वेट अंदर, अभी कैरी ऑन करते हैं। तो हमने बोला था कि एक सीरियस डिस्कशन करना है, सीरियस डिस्कशन ये था
कि जैसे हम लोग हमेशा बैकपैकर्स की तरह मैंने इतनी भी ट्रैक्स करी है प्रीवियसली, जितनी भी करी है, कोई भी हो, चाहे वो रुद्रनाथ हो चाहे वो कुछ भी हो, तो उन सब में ऐसा आज तक कोई नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एक फीस होती थी, जो केवल इसलिए होती थी कि हम ऊपर जा रहे थे तो साफ सफाई भी गवर्नमेंट कराती है सब, तो उसके लिए एक बेसिकली फीस होती थी, वो देने में किसी को नहीं करता था। तो यहाँ पे इस बार इन लोगों ने क्या किया है कि लोकल्स ने फेडरेशन बनाई है, कंपनीज ने, सॉरी मतलब लोकल्स नहीं, कंपनी ने। तो मतलब कि आपने देखा होगा एड्स वगैरह आते हैं कि केदारकंठा ट्रैक के ये वो, तो इन्होंने ये बना रखा है कि 5,000 रुपीज़ आपको देना ही देना होगा अगर आपको ऊपर जाना है। आपके पास टेंट हो, आपके पास कुछ हो, तो कोई मैटर नहीं करता ये। तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा नौटंकी हुई आज हम लोग ने, क्योंकि 5,000 मेरे हिसाब से तो मैं दूँ ही क्यों भाई, मैं जब अपना टेंट लेके आ रहा हूँ भाई, सरकारी होता है कुछ भी, आप कोई पीक तो आप खरीद नहीं लिया है ना सरकार से आपने। और ये पता नहीं क्या है, यहाँ का गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कर रही हो, मतलब कि इसके लिए कुछ तो होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए कि यार इंसान बैकपैकर्स होते हैं यार, बहुत से बैकपैकर्स होते हैं, चलो हम अभी दे भी देंगे तो इससे क्या ही है यार, मेरे देने से क्या, और जो नहीं दे सकता उसका क्या, तो वो क्या कभी केदारकंठा पीक नहीं देख सकता यार। 5,000 का मतलब नहीं पता क्या लोगों को, लोग महीने भर में इतना कमाते हैं तो मैं क्यों दूँ, बेसिकली यही था, मैं क्यों दूँ भाई किसी कंपनी को, जब मेरे पास मेरा खुद का खाना है, मेरे पास खुद का, मेरे पास सामान है बनाने के लिए, सब कुछ मेरा खुद का है। मैं चलो ठीक है, एक गाइड होता है कि हाँ एक गाइड ले लो जिससे कि ये लोकल्स की हेल्प हो जाती है, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ कि मैं गाइड ले लूँगा, चलो कोई बात नहीं। मैं पहले आ चुका हूँ केदारकंठा, फिर भी मुझे गाइड लेने में भी कोई संकोच नहीं, मुझे पता है भीड़ रहती है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो नहीं बनाया। मैंने पिछली बार मनी महेश किया था, तो शायद पता होगा सबको कि मनी महेश में थोड़ा सा मैं खो भी गया था, लेकिन फिर भी दो ही लोग थे, एक साधु जी मिले थे हम लोग को, हम लोग तीन लोगों ने पूरा मनी महेश का ट्रैक किया था, जो कि जिसपे जो रास्ते थे वो पुराना रास्ता से जाना पड़ा था, तो सोच सकते हो वो कितना डिफिकल्ट था और कितना डेंजरस था। ये क्या है यार, ये केवल 3 किलोमीटर हाफ है, उसके बाद 3 किलोमीटर और है, टोटल 9 किलोमीटर की ट्रैक है यार, कुछ भी नहीं है ये, प्लस स्नोफॉल भी नहीं हुई है कि चलो स्नोफॉल हुई हो तो इंसान को स्लिप होने का डर होता है, ये वो कुछ भी नहीं है यार, एकदम खुला मौसम है, एकदम खुला है सब कुछ, तो भी ये चीज़ तो अच्छी नहीं लगी मुझे। तो अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो कहीं शेयर कर देना, हो सकता हो कि यहाँ के जो भी अथॉरिटी हो वो सुने, उसको पता चले कि ये भी जो कि भाई हर कोई नहीं देता है भाई, यहाँ सांकरी तक आने में ही पहली बात है एक बस चलती है केवल, उस बस को अगर आप नहीं लोगे तो प्राइवेट व्हीकल आपको पता नहीं है कुछ नहीं तो 5,000 से 6,000 रुपये प्राइवेट व्हीकल के सांकरी ड्रॉप करने का चार्ज ले लेते हैं, तो आप सोच सकते हो कितना हो जाएगा। तो भाई कुछ तो करना चाहिए ना बैकपैकर्स के लिए। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैंने महीने में 10 जगह जानी होगी तो मैं महीने में 10 जगह हर जगह 5,000-5,000 रुपये देता रहूँगा क्या फ्री के? नहीं ना, क्यों, ये सेंस है इस बात का भाई, मैंने टेंट क्यों खरीदा है, मैंने स्लीपिंग बैग क्यों खरीदा है, इसीलिए खरीदा है कि भाई कहीं पर भी जा सकते हो आप यार, इंडिया है, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कोई भी सरकारी ज़मीन पर अगर किसी ने टेंट लगाया तो आप भी उसके बगल में लगा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आपने पूरी जगह एक्यूपाई कर ली। तो वैसे यही थी सीरियस बात, तो यहीं पे अब लेटे हैं, सोने जा रहे हैं। यहाँ तक ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और नए तो हो ही क्योंकि ये तो नया चैनल बनाया है, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना जिससे कि मिल जाएगा, और वीडियो लाइक तो करी दो, थोड़े रीच बढ़ जाएगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक की बाय, गुड नाइट, टेक केयर।